हम मौजूद हैं इस समय गोंडा की बाजारों में, जहां चारों तरफ करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है। महिलाएं सारी बाजार में निकल के शॉपिंग कर रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। हम मौजूद हैं इस समय करवा की एक दुकान पे, जहां पे आप देख सकते हैं तरह तरह के करवा मिल रहे हैं। महिलाएं इन्हीं करवा से पूजा करती हैं, इन्हीं इसी सीख के जरिए पूजा की जाती है। इसमें पानी भर के महिलाएँ करवा करती हैं। ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि करवा पे क्या इनकी तैयारियां हैं और महिलाएं कितनी आ रही हैं खरीदारी कर रही हैं। ठीक है भाई, ठीक है। लॉकडाउन से सही है, सब सही है, बिक रहे हैं सामान सर? अभी तो भर्ती नहीं गया हजार लोग, बिक जाएगा, बात ना है, अभी कल बिकेगा। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे एक पुरुष खड़े हैं जो कि लग रहा है अपनी बीवी की खरीदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे? आपकी वाइफ लग रहा है शॉपिंग कर रही हैं जी। तो आपकी पूरी हो रही है, पूरी अच्छी तरीके से कसरत शॉपिंग में? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा कि लॉकडाउन के पालन करते हुए सब लोग आप यहाँ पर खरीदारी मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नियम का पालन करते हुए अच्छे तरीके से खरीदारी की जाए, लोगों को बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियम का पालन करें, नियम के खिलाफ कुछ और विरुद्ध कार्रवाई ना की जाए। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी जेब भी अच्छी खासी ढीली हुई होगी करवा चौथ में जी। कम से कम 5,000-6,000 के ऊपर तो आज करवा चौथ के व्रत पर खरीदारी हुई है। तो क्या गिफ्ट आप दे रहे हैं इस समय जी? कवच साड़ी वगैरह कम से कम 5-6 हज़ार की एक साड़ी लेती है लेडीज लोग, और उसमें फिर चूड़ियाँ वगैरह 6-7 हज़ार रुपये खर्चे बैठते हैं। चलिए अच्छा है, लेकिन करवा चौथ भी एक ही बार आता है तो अच्छा है, आप तैयारी करिए अच्छे से और अपनी वाइफ को गिफ्ट दीजिए, एक ही बार आएगा वो भी पूरा निराजल व्रत रहेंगी। क्या आप भी निराजल व्रत रहते हैं अपनी वाइफ के लिए? नहीं, मैं नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे लिए वो रह रही है, तो साल में एक बार पड़ता है, इसलिए जो लाइफ का कोई टाइम का पता नहीं रहता, लाइफ में होता क्या है, साल में एक बार आता है तो इंसान अपना सब कुछ छोड़ के अपना उसको वरदान देख के प्राप्त कर देता है जी। जी हम मौजूद हैं इस समय कपड़े की दुकान पे और वहाँ पे महिलाएं खरीदारी करने आई हैं, तो इस समय हम बात करते हैं यहाँ पे एक महिला से जो करवा चौथ रहेंगी, तो उनसे जानते हैं कि कैसी उनकी तैयारी है। जी आपका नाम क्या है? जी सुनीता। आप कहाँ से आई हैं? जी गोंडा से। जी जी जी, आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? कल करवा चौथ है जी, तो हम व्रत रखेंगे कल, और ख़रीदारी करने आए हैं, साड़ी वाड़ी लेना है, कपड़े लेना है, चप्पल वप्पल लेना है, उसके बाद में कल निराजली व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद में सब लोग। और पति, आपने तो पति की काफ़ी जेब ढीली करी होगी इस समय जी। जी तो पति ने खुशी खुशी दिया कि दे मतलब नाराज होके दिया? नहीं, खुशी खुशी दिए हैं मैम। आप बिल्कुल खुश होना चाहिए, आप लोग उनके लिए निराजल व्रत रहेंगी, गाना वाना भी करेंगी कि सिर्फ व्रत रहेंगी? नहीं जी मैम, गाना वाना भी होगा, पूजा करेंगे, अच्छी से तैयारी सब लोग कर रखे हैं जी। ठीक है, ये यहाँ पे और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कैसी है तैयारियाँ आपकी। तैयारी हमारी अच्छी हो रही है करवा चौथ की। तो यहाँ पे आप साड़ी खरीदने आई हैं? जी साड़ी लेने आए हैं। पति साथ में आए हैं आपके कि अकेले हैं? नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, बच्चे भी हैं। नहीं, पति साथ में यहाँ आए हुए हैं? हाँ आए हुए हैं। कहाँ हैं अंकल जी, कोई बुलाइए, बगल में खड़े हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि पति जो है अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने आए हुए हैं, तो जी आपकी तो काफी जेब ढीली हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुशी खुशी आए हैं कि अंदर से थोड़ा दुख है? नहीं नहीं, खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आज कितना क्या शॉपिंग कराने का विचार है आपका? अब आज यही साड़ी खरीदा है, इसके बाद फिर कुछ मेकअप के सामान खरीदने होंगे। अरे मेकअप का तो बहुत ही बड़ा, आप तो मेकअप में अच्छी लगती हैं वाइफ आपको? बिल्कुल अच्छी लगती है। तो कल क्या बोलते हैं, आप भी व्रत है कि केवल वाइफ ही? हम नहीं व्रत है। तो कल आप वाइफ की सेवा करिएगा, काम आप ही, खाना वगैरह कौन बनाएगा? करवा चौथ में तो काफ़ी चीज़ें बनती हैं जी। जी खाना तो यही बनाएंगे जी। पति आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं नहीं करते हैं, दोनों साथ में हंसी खुशी से काम करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही आपको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। आइए हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से, एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे उनके दुकान पर बिक्री हो रही है। जी अंकल, कैरियाँ चल रही हैं आपकी?
बहुत अच्छा तो फिलहाल इस कोरोना काल में नहीं है, अगली वर्ष की अपेक्षा इस बार 50% सेल है मेरी। अच्छा तो 50, लेकिन कोरोना के बाद तो ये पहला मौका होगा इतनी हाँ, भीड़। पहला थोड़ा सा हर्ष है, जो हाथों में जंग लग गए थे वो जंग मेरे अब थोड़ा सफा हो गए। तो थोड़ी खुशी है आपको? बहुत थोड़ी क्या, बहुत खुशी है। चलिए 6 महीने के बाद में थोड़ी सी हमको रनिंग में आए हैं, इसलिए बहुत खुशी है।